अपने नेताओं की अगवानी के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेत घाट से लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय तक के रास्तों को झंडे और बैनरों से पाट रखा था। हर तरफ सिर्फ कांग्रेस के नेताओं और उनके समर्थकों के बैनर ही नजर आ रहे थे। वहीं नेताओं के स्वागत के लिए जगह जगह स्वागत मंच भी बनाए गए थे। कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह देखा। सारे युवा यहाँ इकट्ठे हैं और सारे कांग्रेस के सैनिक यहाँ पर इकट्ठे हैं। निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा जिस तरीके का जोश और उत्साह दिख रहा है, कांग्रेस की सरकार 2013 में बनने वाली। और सारी यूथ यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में है और ये पैगाम देना चाहती है 2013 में मध्य प्रदेश में इस बार शिवराज सिंह चौहान की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और जिस प्रकार से आज कांग्रेस पार्टी चुनाव का शंखनाद करने वाली है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में बदलाव आने वाला है। युवाओं की ये आगाज और युवाओं की ये आवाज अब प्रदेश की जनता की आवाज बन के उभरेगी और मध्य प्रदेश के 2013 आने वाले चुनाव में कांग्रेस सरकार बनेगी। पीसीसी में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया। बैठक में शामिल होने के लिए सबसे पहले कमलनाथ पीसीसी पहुंचे, लेकिन जैसे ही ज्योतिरादित्य का काफिला पीसीसी पहुंचा तो युवाओं का जोश देखते ही बना। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार फिर राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए सबसे आखिर में पीसीसी पहुंचे। पीसीसी में सबसे आखिर में पहुंचने वाले दिग्विजय सिंह पीसी में सबसे पहले पहुंच गए। इसके पीछे दिग्विजय सिंह ने भीड़ से बचने का कारण बताया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी वीके हरिप्रसाद के बाजू में लगी अपनी कुर्सी को खुद ही उठाकर प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया की कुर्सी वहां रख दी। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय सिंह ने सिर्फ इतना ही कहा कि हम एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। जब मैं आपसे कहता था कि हम सब एक साथ हैं तो आप मेरी बात नहीं मानते। आज आप देख रहे हैं हम सब साथ हैं, साथ थे और साथ रहेंगे। धन्यवाद। प्रिंट मीडिया के लिए फोटो सेशन के दौरान प्रेस फोटोग्राफरों ने जब सुरेश पचौरी के बारे में पूछा तब जल्दबाजी में पचौरी को मंच पर बुलाकर दोबारा फोटो सेशन कराया गया। बैठक के दौरान पीसीसी में सिर्फ फोटो युक्त परिचय पत्र धारकों को ही अंदर जाने की अनुमति थी, बाकी के नेता और मीडिया कर्मी बाहर ही बैठे रहे। इस दौरान अधिकांश कार्यकर्ता और मीडिया गर्मी से खासे परेशान नजर आए। जब एक ही जगह पर किसी भी पार्टी के दिग्गज नेता जमा हो तो वहां जोश और उत्साह होना आम बात है, और जब बात कांग्रेस की हो तो अव्यवस्था भी स्वाभाविक है। कांग्रेस नेताओं की एकजुटता की ये कवायद कितनी कारगर साबित होती है ये देखना होगा।